तो हाँ यार, सबका स्वागत है पोकेमोन सोर्स पर, मतलब पोकेमोन सोर्स के चैनल पर। तो हाँ यार, हम पहुंच गए मिल्क शेक स्वैम्प में। तो यहाँ से निकलने वाले, क्योंकि हमने मटके पकड़ चुके हैं, तो थोड़ी बहुत यहाँ से निकल के हम दूसरे टाउन में जाएंगे। तो हाँ यार, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस एपिसोड को। मैं लाइव व्यू में जानता हूँ, बट यार उसके छोड़ो, हम इसके एपिसोड से लाएंगे। सबसे पहली बात यार, लाइक कर दो यार, लाइक करोगे ना बहुत मज़ा आ जाएगा। और उसके लिए यार मैं काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया करूँगा जो लाइव करेंगे। देखते हैं, चलो आगे चलते हैं अपना। बस यहाँ से निकलने वाले हैं टेंगेला, मुझे नहीं पकड़नी, बड़ा बकवास मेरे को लगता है पोकेमोन। तो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। चलो अच्छा, हमें आगे जाना है, मैं तो भूल ही गया। शुरू में मेरे को बहुत ज़्यादा लगता है, कसम से बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने मेरे को पिछली वीडियो में कहा था कि तुम नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, शोमिश ले लो और मटके पे इफेक्टिव होएगा, मतलब सुपर इफेक्टिव मूव्स मारेगा। बट यार मेरे को पता नहीं, सॉरी यार। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ से जाइए। मैं भूल ही जाता जस्ट। ये देखो आ गया बग कैचर। ये बग्स को क्यों, कोई अच्छे लगता है बग टाइप में, कोई अच्छा लगता। इसको तो हम आराम से रहेंगे, तो पूरा फ्री में ट्रेनिंग हो जाएगी यार मटके की। तो उसमें कूना और कुछ तो कर भी नहीं सकता। ओह, कूना का मतलब इतनी कम हो इफेक्टिव उसे, मुझे लगा कि पहले ज़्यादा होगा। बट इसको मटके पे आ रहेगा, क्योंकि मेरे को मटके को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करानी है। वाटर गन यूज़ करते हैं। ओह, वाटर गन में तो एक ही बार में गया, पागल था जो मट स्लैप यूज़ कर रहा था मैं। चलो बग कैचर करा दे, $64 मिल गए यार, मज़े आ गए। यूरो या डॉलर पता नहीं, देखा नहीं मैंने। ये भी लड़ेगा शायद। ओह, कौन सा पोकेमोन है यहाँ पे यार। एकेंस मेरे को अच्छा लगता है, मैं एकेंस तो पकड़ूंगा ही नहीं बिल्कुल। सबसे पहले देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस शेयर किसके पास है। ओह, मैंने तो क्रोगरंग को रख दिया ना वापस। ओह, मैं तो भूल ही गया, पोकेमोन सेंटर में मैंने रख ही दिया। ये एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, कुछ थे पहले। अच्छा, पहले थे यहाँ पे, मेरे को लगा अभी होंगे तो मैं पकड़ लेता अभी के अभी। अमेजिंग बग टाइप, देखते हैं कौन से इसके बग टाइप, जरा देख ही लेते हैं। ओहो, अरे वाह यार, मैं तो डर गया इसके बग टाइप से। वाटर गन यूज़ करते हैं। ओ प्रोटेक्ट, बढ़िया यार, अच्छा हुआ प्रोटेक्ट भी। बट वर्क डिफेंस के लिए काफ़ी अच्छा है। एक ही में ख़त्म है। अरे उतरी तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट, ओ माय गॉड, ये तो फिर मटकिप को भी ले गया। चलो कोई नहीं, हमारे पास चिमचार है। मेटापोड, ये तो फ्री की ट्रेनिंग है और एक ही मूव में ख़त्म हो जाएगा ये, मेरे को लग रहा है। ये देखो ख़त्म, देखा स्टाइल। अब लग रहा है मेरे को ना, हमारा चिमचार इवॉल्व होने वाला है मोनफर्नो में। ऐसी मेरे को क्यों फीलिंग आ रही, क्योंकि लेवल 14 में होने वाला है और ये होने ही वाला जल्दी ही। बस होने वाला है, चिंता ना करो, हमारा चिमचार मोनफर्नो में बनने वाला है। स्क्रैच यूज़ कर रहा हूँ, थोड़े मज़े ले रहा हूँ बटरफ्ली से। चल भाई, ख़त्म करते हैं और मोनफर्नो बनाते हैं हमारे चिमचार को। यस, ओ माय गॉड, 342 एक्सपीरियंस, बढ़िया यार। ओ तेरी तो यार, मजे आ गए भाई, चिमचार हमारा मोनफर्नो में वो हो गया भाई। देखो भाई, मोनफर्नो बहुत मस्त लगता है, इसकी अब टाइपिंग हो जाएगी फायर और फाइटिंग टाइप, और एक नया मूव सीखेगा जो मेरा फेवरेट मूव में से एक है। देखो जरा कौन सा मूव है, मैं दिखाता हूँ तुम। मैक पंचर, मैक पंचर बहुत मस्त मूव है, इसको मैं एंड तक रखूँगा, तुम्हें पता है। चलो यार, लियर को हटाते हैं, लियर बहुत बेकार है। मैक पंच, अब आएगा मज़ा तो। चलो भाई, हम नई सिटी में आ गए हैं, ओशन व्यू पार्क आई थिंक यही है नाम सिटी का, एक बार देख लेते फिर से ना। हाँ, ओशन व्यू पार्क। अरे ओशन व्यू है क्या, ओशन ओशन है क्या, ये लड़की क्यों कर रही है यहाँ पे। अरे हाँ भाई, मैं ट्रेनर हूँ। अरे मोमू मिल कर, अरे वाह मज़े आ गए भाई। अरे वाह, 100 HP देता है भाई, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है ना मोमो मिल्क। और क्या है लड़का भाई, क्या बैठा है। अच्छा मिस्टी यहाँ पे, ये कौन है दबे देते पहुँच पागल से सिंपली उठे को स्टेयर आउट। पानी की तारीफ कर रहे हैं, पानी तो बहुत सुरक्षा करनी चाहिए पानी की। अच्छा कट हमें सीखना पड़ेगा, तो HM है वो तो बाद में देखेंगे। ओ यहाँ पे तो पोकेबॉल पड़ी है, सेंट्रेट इसका फेवरेट पोकेमोन है। अच्छा ये क्या कर रही है। अरे भाई पार्क में मैं ऐसे फालतू में नहीं घूमता, ऐसे बड़े पोकेमोन ट्रेनर बन जाए और इतना घूमना ही पसंद है। ओ यहाँ पे तो पोकेमोन मार्ट है, तो चलते कुछ खरीदते हैं। बूढ़ी अम्मा बैठी हैं, तो पैसे भी बहुत ही कम है यार हमारे पास। तो
एस्केप रोप है यहाँ पे? नहीं, पोशन खरीद लेता हूँ। एक पोशन खरीद लेते हैं, ठीक है, और एंटीडोट कर लेते हैं। अच्छा, पन मनी नहीं, 60 और माइकोट, इतनी कम मनी है। अच्छा, मैंने पहले पोशन खरीद लिए थे ना बहुत सारे। अच्छा, ओशन व्यू पार्क, चलो भाई चलते हैं ओशन व्यू पार्क में। अच्छा, यहाँ से जाना पड़ेगा। ओ पोकेमोन सेंटर, पहले हील कर लेता अपने मटके को और चिमचार को, और अपना मैं प्रोग्राम वापस निकालूँ और उसे मैं वो दूंगा, तो बोलते एक्सपीरियंस शेयर। चलो भाई प्रोग्राम को वापस निकालते हैं। थैंक यू नर्जे, वैसे ब्रोक तुम्हारा दीवाना है। हाँ वैसे मुझे पता है थ्योरी आने वाली थी, बट यार सॉरी थ्योरी नहीं आ पाई, क्योंकि मेरे को थोड़ी देर थोड़ा टाइम लगेगा, खुद सोचना पड़ता है, मैं कोई वेबसाइट से नहीं निकालता, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो ये क्या बैठे हैं, इज़न द ओशन ब्यूटीफुल, नॉट एज ब्यूटीफुल एज यू माई डियर। ओ हो, इतना प्यार, आहा प्यार में मरो बेटा तुम। ये कौन सा घर है भाई, यहाँ क्या है, ब्रेकफास्ट मिलता है यहाँ पे? खाना थोड़ा क्या है, कितना का है खाना? ये हमेशा ये होता है जब खाना लेने जाओ, बुक डाउन, कौन बैठा है भाई, कोई भी नहीं बैठा है इनके उसमें, पागल बना के रखा कासर में। ओ माय गॉड, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये काफ़ी हार्ड जिम है क्या? जोल्टियन है इसका। अच्छा, जोल्टियन तो काफ़ी औसम पोकेमोन है यार। चलो जिम में चलते हैं। ओ हेलो, आई इजीली गेट बाय ट्रेनर्स चलिंग द जिम। अच्छा, और द जिम इज क्लोज राइट नाउ। अबे क्यों जिम है क्लोज क्यों है भाई, क्या हो गया? ओल्ड पावर प्लांट का है ये बंदा, यहाँ पे क्यों खड़ा है? अरे यहाँ पे तो रास्ता है, पावर प्लांट। अच्छा, ये रास्ता मैं पता ही नहीं, ओल्ड पावर प्लांट ये कहाँ से आ गया भाई? हमेशा यही होता है ट्रेनर्स को ना, मतलब जो ट्रेनर है इनको वो होता है, क्या बोलते हैं, हम तो भाई जोखिम लेके ही जाएंगे। उत्तर यहाँ पे पोकेमोन मिलेंगे क्या? और वो एक ट्रैक ने नहीं पकड़ना मेरे को, मड स्लैप यूज़ करते हैं। उत्तरी थंडर वेव, पैरालाइज भी कर दिया, बताओ यार, लगता है थोड़ा मटकेप का लेवल बढ़ाना पड़ेगा मुझे अपना। वाटर गन से तो कुछ नहीं होगा आई थिंक, मैं तो पागल हूँ वाटर गन यूज़ करो, और तभी भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है इसे। थोड़ा हील करके आएंगे, चिमचार को आगे रखते हैं, मटकिप को ही रख लेते, चलो मटकिप को ही आगे रख लेंगे। क्रोगरंक लेवल 2 में हो गया, लेवल 9 में हो गया हमारा। जो पहले अपने पोकेमोन दिखा देता हूँ मैं, ये देखो मॉनफर्नो लेवल 14 का, क्रोगरंक लेवल 9 का, और मटकिप कितने लेवल की है, लेवल दे रखा बट लेवल 12 या 13 की है वो भी मटकिप, या 11 की। पहले हील कर लेते अच्छे से, और चिमचार को आगे रखेंगे हम, क्योंकि हम चिमचार की आज ज़रूरत है, बट अभी थोड़े सस्ते वाले पोकेमोन आएंगे तो उनके लिए मटके भी आगे रहेगा, और क्रोगरंक के पास तो एक्सीडेंट शेयर है ही, तो वो अपना लेवल अप होता रहेगा वो, तो मतलब थोड़ी सी क्रोगरंक को लाने की जरूरत नहीं है, बट मैं उसको इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि वाटर पॉइजन टाइप की एडवांटेज मिल जाएगी, और हमें ज़्यादा पोकेमोन की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई फेंट हो गया, दो ही पोकेमोन है मेरे पास, यहाँ से तो कोई रास्ता ही नहीं। चलो वापस चलते हैं। ओ यहाँ पे भी कोई पोकेमोन है, हो पोरीगोन, वैसे पोरीगोन के अगर तुम देखो पोरीगोन जी के स्टैट्स काफ़ी अच्छे, मैं इसको पकड़ना चाहूँगा, मुझे काफ़ी सही लगता है ये पोकेमोन। कहा जाता है मिमिक्यू के अंदर पोरीगोन है, सच में तुम मानो ना मानो मिमिक्यू के अंदर पोरीगोन है कहा जाता है। चलो भाई इसको पकड़ ही लेते हैं, तो आ ही जाएगा, 8 पोकेबॉल्स आ जाएगा। मुझे इलेक्ट्रिक किड भी पकड़ना है, वो बहुत औसम पोकेमोन है, उसको बाद में मैं इलेक्ट्रिक वायर में विकसित करना चाहूँगा। वो ये आया नहीं क्या? फिर फेंकेंगे एक बार, आ जाएगा भाई, अब देखा आ गया पोरीगोन का स्कोर, देखते हैं इसका थोड़ा पोकेडेक्स से देखते हैं कैसा है। इट इज़ कैपेबल ऑफ रिवर्टिंग इटसेल्फ इंटरली बैक टू प्रोग्राम डॉट। अच्छा, एक कॉपी मतलब कॉपी पेस्ट पोकेमोन है ये, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा सा पकड़ रहा हूँ, देख लेते हैं क्या होगा। क्या भाई, हाँ मोटे भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? अच्छा भाई, हम तेरे फ्रेंड से इंटर थे, उन्हें भी हरा देंगे, चिंता ना कर तू। ओ पिकाचू, पकड़ू नहीं पकड़ू, मेरे को नहीं पकड़ना, क्योंकि ये फीमेल पिकाचू, आई डोंट लाइक, मुझे मेल पिकाचू चाहिए, वो तो मिल जाएंगे काफ़ी ऊपर, चिंता मत करो, तुम गुस्सा मत होना, ठीक है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं चढ़ती है। कॉफिंग के सामने मटके पे हमारा, मटके पर आ देगा, मुझे पता है इतना, मटके पे इतना विश्वास है मुझे, नहीं आ रहा तो थू है भाई इस पर ऐसे। ओहो नहीं, मजाक कर रहा हूँ, हमारा मटके जिंदाबाद यार, हरा देगा मटके, टैकल ही दे इसको, खत्म, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, और हमारा मटकेप हो गया लेवल 12 में, बहुत बढ़िया। और क्रोगरंक के भी भाई अपने पास आ रहे हैं, मतलब क्रोगरंक के पास भी आ रहे हैं लेवल, तो मॉनफर्न ना जा। ओ भाई गलती कर दी, उत्तरी मॉनफर्नो को देखो स्टाइल कैसे आने का, देखो बेटे मैक पंच यूज़ करते हैं एक बार। ओ कुछ नहीं हुआ,
उतनी पॉइजन ना हो जाए, बस चेंज कर लेते थोड़ा सा। मुझे लगा नहीं था कि क्रोगर खाएगा कसम से, बट कि कोई वापस छोड़ रहा हूँ मैं। ओ एस्टोनिश क्रिटिकल हिट दे दिया बंदे ने, मर्ड स्लैप देते हैं, सुपर इफेक्टिव होएगा इस पर, सुपर इफेक्टिव होएगा मुझे इतना पता है। हाँ पता था मुझे, भाई यार एस्टोनिश दे रहा है बंदा, कुछ नहीं। और मैं मटके अटैक मिस कैसे हो गया तुम्हारा यार, अबे यार क्या हो रहा है, मटके पे रहेगा देखना ऐसे, मटके पे रहेगा और कोई नहीं रहेगा, सिर्फ मटके पे रहेगा से, या तो मटके फारेगा क्योंकि मेरा पोकेमॉन सबसे बेस्ट है मुझे पता है। अबे यार दोनों के अटैक मिस हो रहे हैं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, वट मट स्लैप। अबे यार नहीं हुआ, ओहो पॉइजन हो गया हमारा मटके, कोई नहीं एंटीडोट नहीं है हमारे पास, चलो वापस जाना पड़ेगा मेल करने। मैं यहाँ पे सिर्फ वही चीना, इसके लिए मैं अपना मोनफर्नो लाऊंगा, घोड़े वाला पोकेमॉन ही है, अरे डॉगी है सॉरी, मुझे पता नहीं था। एम्बर बार बार हम जा रहे हैं क्रोग्रंक लेवल 10, अरे वाह ओ लर्न डोंट, बढ़िया यार क्रोग्रंक आराम से मजे लेके सीख रहा है वो, तो कुछ लड़ने की जरूरत भी नहीं और एक्सपीरियंस अपने आप आ रहा है, सही है भाई सही है। कुछ नहीं हुआ सैंड अटैक से, एक्यूरेसी फेल होगी बस, थोड़ी एक्यूरेसी कम होगी, मेरे अटैक पता नहीं क्यों मिस हो रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा। मटके को तो जानते हो एक्यूरेसी थोड़ी कम हो गई थी, बट यार मोनफर्नो समझ नहीं आ रहा, मोनफर्नो का लेवल 15 हो, बढ़िया यार। थोड़ा मटके को थोड़ा हील कर लेते और पॉइजन से थोड़ा हील कराते, चलो अब नहीं जाऊँगा बाद में। अब देखो देखो ये हरकत होती है पता क्यों, ये हमारा मटके पॉइजनड है, नहीं मेरे को नहीं पकड़ना मैग्नीमाइट, बेकार पोकेमॉन। चलिए चलो हील करेंगे अपना, अबे यार इसे जाने देने, पॉलीगोन नहीं यार पॉलीगोन हम नहीं पकड़ना, एक पॉलीगोन पकड़ लिया हमने, ख़त्म होने वाला मटके पमारा, उसको हील करके आएंगे। मटके पमारा जान यार, मेरे को तो बेस्ट स्टार्टर लगता है होइन में, कहा जाता है गेम में, बट सबसे मस्त तो सैप्टेल और वो लगते हैं डिजाइन में ब्लेजिकन, सैप्टेल को तो अलग ही बैडेस लगता है, ज़बरदस्त लगता है मेरे को सैप्टेल तो। चलो वापिस चलते, इस बार कुछ नहीं करेंगे ठीक है, देखो चाह ही नहीं रही तो अंदर देखते हैं यहाँ पे कौन सा पोकेमोन है। ये मैग्नीमाइट मेरे को नहीं पकड़ना बिल्कुल भी, हमारा यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे को देखना चेक करना था कि रिकॉर्डिंग कहीं बंद तो नहीं हो गई, माफ़ करना अगर थोड़ा हो गया तुम्हें, मतलब थोड़ी रुकावट लगी हो, बट मैं चेक ही कर रहा था। ये देखो सामने जा ही नहीं रहा, मोटा पिटेगा तू बहुत। ये कौन सा पिकाचू, नहीं यार पिकाचू नहीं पकड़ना मेरे को, मेरे को पकड़ना इलेक्ट्रिकेट, हर पिकाचू मैं हर गेम में पकड़ता हूँ, मेरे को इसलिए अच्छा नहीं लगता। अबे जाने दे रहा, इसको मारना पड़ेगा क्या, चलो पकड़ ही लेते हैं इसे, फीमेल पिकाचू तभी पकड़ ही लेंगे, मड स्लैप यूज़ करते हैं, वो थंडर शॉक दे दिया। अरे अबे सुपर इफेक्टिव कैसे हो सकता है, अच्छा मटके ग्राउंड टाइप थोड़ी बना है, सिर्फ वाटर टाइप है, अच्छा अच्छा मेरे को लगा कि हरा सकता है, बट नहीं 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 मेरे को पता नहीं था, भूल गया था मैं कि मटके के पास अभी ग्राउंड टाइप की एडवांटेज नहीं आई है, अच्छा सच में भूल गया था मैं, बोलो कैसे हो गया यार एकदम से, मटके तो हमारा मटके पे तो असर ही नहीं करेगा क्योंकि ग्राउंड टाइप है बट नहीं है, बट अ गुड लाइक यू डूइंग हियर। ओ तेरी ये मोटा सा दिखता है असली में गंजा, इस पे तो मट स्लैप यूज़ करेंगे, मट स्लैप सुपर इफेक्टिव रहेगा, पॉइजन स्टिंग बार बार यूज़ कर रहे हैं, पॉइजन ना हो बस मेरा पोकेमॉन पॉइजन, कसम से बता रहा हूँ बहुत दिमाग खराब हो जाएगा मेरा, ये पॉइजन करके मानेंगे मटके पे मेरे को लग रहा है, ये सामने वाला राइवल सबके सब मेरे मटके के पीछे पड़े हैं। टोंट टोंट का तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है ये टोंट, बकवास मूव। अबे नहीं हुआ है मट स्लैप, चल ठीक है मट स्लैप यूज़ करो, शुक्र है पॉइजन स्टिंग नहीं यूज़ करा, कितनी बार पॉइजन स्टिंग यूज़ करेगा ये, इसकी पॉइजन टाइप होने की ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले रहा है यार सच में कसम से। प्रिंस कोट 88 रुपीस, और सामने चल भाई कहाँ चल रहा है यार, मैग्नीमाइट नहीं पकड़ना यार बेकार है मेरे को, अच्छा लगने लगता पिकाचू मिल जाए फिर से, पिकाचू पकड़ेंगे थोड़ी कोशिश करेंगे, जाने क्यों दे रहा है ये, अच्छा सामने से जाएंगे पता नहीं होगा कुछ सीन मच रहा होगा वहाँ पर ना, इलेक्ट्रिक नहीं पकड़ना बेकार है मुझे अच्छा नहीं लगता। अबे यार मैंने यूज़ भी कर दिया मटके को सामने उसके, रन करते हैं, अबे यार जाने भी नहीं दे रहा ये तो,
यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? भाई मैं जाना चाहता था वहां से। अब मोन फड़नों को लाना पड़ेगा, स्क्रैच ही काफी है मोन फड़नों का। तो यार इस बार आखिरी बार जाएंगे ठीक है हील करने अपने पोकेमोन्स को, बस आखिरी बार पक्का। फ्रीजर बुरा मत मानना, मटके पुल आखिरी बार हम हील करने जाएंगे ठीक है। ओ पिकाचू लेवल 9 को, बहुत बढ़िया यार, मजा आ जाएंगे। लेवल 9 का है, बहुत रेयर है ये। थंडर शॉक को जब असर नहीं पड़ेगा मुझे, स्क्रैच मारेंगे बस। अबे यार ये तो मर गया यार, मैं अच्छा था वो मरे ठीक है, सॉरी यार आई एम सॉरी। ना मैग्नीमेंट नहीं पकड़ना, मेरे को बेकार लगता है कसम से। इसका फाइनल एवोल्यूशन भी बेकार लगता, तीन तीन मैग्नीमेंट, पता है हद होती है किस चीज़ की भाई, ये तो हद ही मचा के रखी है। मैग्नीमाइट नहीं यार, कितने मैग्नीमाइट आएंगे, मैग्नीमाइट से भरा हुआ क्या? मोनफोनो आग लगा के भाग जाएगा हनुमान जी की तरह हमारे यहाँ पे पावर प्लांट पे, ऐसे हनुमान जी भाग गए थे। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बता रहा हूँ बस। अबे चले जा मेरे भाई, हील कर लेते थोड़ा सा आखिरी बार और फिर अपना चलते रहेंगे आराम से, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे अब। मेरे को याद नहीं चाहिए कि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है तो सुपर इफेक्टिव होएगा। अब मैं मटकीप को आगे यूज़ नहीं करूँगा, अब मैं चिमचार को यूज़ करूँगा। सॉरी मोन फंडो, मैं तो भूल ही गया हमारा मोन फंडो में विकसित हो गया है, भूल गया सॉरी। ना मेरे को इलेक्ट्रिक नहीं पकड़ना, मोन फंडो जाओ और आग लगा दो, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। ना मेरे को नहीं पकड़ना ये मैग्नीमाइट, मुझे पता था मैग्नीमाइट ही होएगा, पिकाचू नहीं होएगा। एक बार निकल जाती है ना अपॉर्चुनिटी तो निकल ही जाती है, बाद में मिलने के थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं। अभी तो पोकेमोन भाई तीन तीन स्टेप रखे पोकेमोन आ रहे हैं, देखो स्टाइल देख रहे हो मोन फंडो वाले को, स्टाइल देखो बंदे का, स्टाइल ये जबरदस्त है यार मोन फंडो अपना। तो पिकाचू फिर आ गया, पिकाचू को इस बार पकड़ने की कोशिश करूँगा है। चलो पकड़ते हैं सर पिकाचू को, ठीक है। ओहो इस और मेरी भी बहुत बढ़िया यार पिकाचू, अच्छा तू और अच्छे से आएगा। ओह मेरे को पैरालाइज कर दिया पता, बिन बात में बात होती किस चीज़ की। पकड़ ही लेते हैं हम इसे। अबे यार ये क्या बात है, अब आएगा ये पक्का आएगा, अब तो देखो आ गया ना, मुझे पता था इस गेम में दूसरे पैगो आ ही जाएगा। पिकाचू डाटा वैसे एडिट टू द पोकेडेक्स, नहीं मेरे को कुछ नहीं निकलना लेना अभी तो। अभी मोन फंडो को थोड़ा सा पीछे रखते हैं ठीक है, क्रोग्राम को थोड़ा सा इधर रख लें, नहीं नहीं हील कर लेते हैं। वैसे पैरालाइज होने से कुछ भी नहीं होगा मोन फंडो को, हेल्थ थोड़ी जाएगी, मुँह मिल के अभी जरूरत नहीं है। पोशन यूज़ कर लिया हमने ठीक है, अरे आजा बैटल करते हैं। अच्छा यहाँ पे कोई रनिंग करते हो, कुछ आया था देखा नहीं तुमने, अच्छा बढ़िया यार बताने के लिए थैंक यू। यहाँ पे कुछ वॉल में लिख रखे हैं, हाँ मैंने भी देखा वॉल में कुछ शब्द लिख रखे हैं, जोर वोर है। वाह जोर बहुत औसम पोकेमोन ना दिखने में, देखो कितना क्यूट लगता है डॉगी जैसा, मतलब डार्क टाइप है बट बहुत औसम पोकेमोन लगता है दिखने में। स्क्रैच बट एम्बर है हमारे पास ठीक है, और तुम ख़त्म हो बेटा जोर हुआ, कुछ नहीं हो तुम्हारे बस की। जोर और बढ़िया लगता है, जब उसमें सुईकून एंटाई और राइको आए थे उस मूवी में मज़ा आ गया था। फिर से जोर हुआ ना, जोर हो खेलते मैं मोन फंडो ही काफ़ी है मेरा। स्क्रैच एम्बर, एम्बर यूज़ करेंगे हम ठीक है। देखो भाई बर्न भी कर दिया, फेक टीयर्स, अच्छा रोके दिखा रहा है मैं, पर कुछ नहीं होगा मोन फंडो आग लगा देगा मोन फंडो, समझ आ रही है। अभी देखो इनफर्नो जब बनेगा तो आग लगा के रख देगा तुम्हारे में। अभी क्रोग्रैंक को मैं थोड़ा लेवल 20 तक ट्रेन करूँगा एक्सपीरियंस शेयर देके, फिर मैं पिकाचू को दे दूँगा एक्सपीरियंस शेयर, चिंता ना करो उसको भी ट्रेन करेंगे बाद में। लेवल 8 का पिकाचू कुछ कम नहीं है भाई, लेवल 15 का मोन फंडो हमारे पास अभी। उत्तरी यहाँ पे क्या हो रहा है ये, हु आर यू इट्स डेंजरस हियर जस्ट लुक ओवर देयर, ये क्या है भाई? और भाई ये तो इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर रहा है, अच्छा यही है कि जिम लीडर स्पार्क की। अरे वाह इसको मतलब हमें पहले इस पिकाचू को लाना पड़ेगा मुझे लग रहा है ऐसा, ये कहाँ से ले रहा है भाई साहब? ये स्विच चला के देखते हैं, स्विच बोली लग टू पुलर से, ये भी स्विच नहीं है तो कौन सा है स्विच, ये है क्या?
ये भी नहीं है स्विच। उत्तरी गई गई, इलेक्ट्रिसिटी गई। चलो आखिरकार हमें मिल गया, अब इसको हराएंगे इस पिकाचू को। अब ये तो बोलता भी है भाई, ये पिकाचू तो बोलता भी है। उत्तरी तो स्कार्फ वाला पिकाचू है जो पहले मिलता है, इसको नहीं पकड़ूंगा मैं। वैसे गेम स्ट्रक हो जाता है मैंने सुना है, तो तुम मेरे को कमेंट में प्लीज़ बताना कि अगर इस पिकाचू को पकड़ेंगे तो हमारा गेम स्ट्रक हो जाएगा क्या, मतलब रुक जाएगा, जिन्होंने खेला है प्लीज़ यार बता देना भाई को, प्लीज़ यार मेरे को बता देना ठीक है। ये देखो मैक पंच, बढ़िया यार मज़े आ गए। थंडर स्ट्रक कुछ नहीं कर पाएगा, बच्चा ही है। एक मैक पंच और, अबे यार हरा दिया इसने हमारे मूनफर्नो को। कोई नहीं, दूसरा पोकेमॉन यूज़ करेंगे। रोकरंग नहीं, मटके पे यूज़ करते हैं। मटके मुझे पता है कि मैं शेर के सामने एक चूहा रख रहा हूँ, बट क्योंकि इलेक्ट्रिक टाइप अभी हरा सकता है, बट हमारे पास मड स्लैब भी है, काफ़ी अच्छा है मड स्लैब वो भाई, मतलब मटकेप को काफ़ी अच्छा वो मिल जाएगा इसके बाद, क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस। शुक्र एक राउल यूज़ कर रहा है, बस ख़त्म। अरे वो मटकेप ड्यू टू लेवल 13, ग्रोगरंग को भी काफ़ी वो मिल गया यार, क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा स्पार्की पे भाई तू भी तो रह सकता था, हमें क्यों लगा रहा है, ये होते ही ऐसे। अब एस्केप रूम बनानी चाहिए, अब उसके लिए वापस जाना पड़ेगा हमें, हद होती है किसी चीज़ की भाई। ये तो पिकाचू मैं पकड़ चुका हूँ एक, वो भी लेवल 8 का, मैं काफ़ी खुश हूँ उससे। उत्तर जाने में दे रहे, ये तो बड़े ज़बरदस्त बात है, गंदी बात है यार ये तो, जाने दे भाई। अरे भाई जाने दो पिकाचू भाई, जाने दो भाई। हाँ जाने दिया सर, मेरे को लगा जाने नहीं देगा ये। मैग्नीवेट मेरे को पकड़ना ही नहीं कसम से, मेरे को अच्छा लगता। अबे कितने पिकाचू आएंगे यहाँ पे, मेरे को पकड़ना ही नहीं है पिकाचू भी। सुपर इफेक्टिव है, जान मुझ के रुक रहे हैं इससे हरा सके ये मटकेप को। चलिए यार पहले पोकेमॉन चेंज कर लेते, बार बार दिमाग ख़राब कर देंगे ये, फोरी उनको ही रख लेते हैं आगे, क्या जा रहा है देख रहे हो पीछे से, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, पी 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 पी। देखो सुनो अभी रुको, ये देखो पी 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 पी, थोड़ा कम कर लेते हैं, मतलब थीम थोड़ी डिफरेंट है। और ये बताना चाहूँगा पहले जो ये एरिया था इसको तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया पोकेमॉन ग्लेज वालों ने, ज़्यादा घर हो गए, छः छः घर देखे तुमने कितने सारे थे यार। पॉलीगॉन भी बढ़िया है, मैं अब तुम ये बताओ, मैं पोल क्रिएट कर दूँगा ठीक है, तुम बताना कि मैं पॉलीगॉन को यूज़ करूँ और इसको बाद में पॉलीगॉन ही बनाऊँ। इसके स्टैट्स सर 500 से ऊपर जाएंगे याद रखना, अब तुम्हारी मर्जी, स्टैट्स पे कोई डिपेंड नहीं करता, तो तुम्हारी मर्जी, पॉलीगॉन ही बन जाएगा ठीक है, पॉलीगॉन ही बनाएंगे हम इसे, नहीं तो तुम्हारा पिकाचू को मैं रायचू में भी चेंज कर सकता हूँ। तुम एक बताओ, क्योंकि पॉलीगॉन और रायचू में मैं एक को चुन सकता हूँ और मटकीप और प्रोग्राम पे एक को, तो मैं वैसे भी मटकीप को चुनूँगा ठीक है। तुम वैसे बता देना मेरे को कि मैं किसको चुनूँ, पिकाचू को चुनूँ, पिकाचू तो सबका फेवरेट है ऐश के पास भी, और पॉलीगॉन, पॉलीगॉन आज तक किसी ने यूज़ नहीं करा, बट पॉलीगॉन यूज़ करके मज़ा ही आ जाएगा अलग, क्योंकि पॉलीगॉन का ही था एक एपिसोड जिसमें वो बैन हो गया था। इलेक्ट्रिक बढ़िया यार, इसको पकड़ूंगा, हमारे पास तीन तीन इलेक्ट्रिक टाइप है यार, कैसे पकड़ेंगे, मतलब क्या किसको लेंगे, ये मेरा मतलब है। मैं तो बोलता हूँ हम लेंगे इलेक्ट्रिक किट को, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर बहुत ही ओसम बुकिंग बन जाएगा आगे जाके। तुम्हारे ऊपर कि मैं एक पोल ऊपर डाल दूँगा, तुम्हारे ऊपर है कि तुम अब पकड़ेंगे इसे। पोकी बॉल का है हमारी, पोकी बॉल को जाओ और पकड़ लो इलेक्ट्रिक किट को, देखो पकड़ ली। अबे यार अरे मोस्ट एडेड यार, कुछ नहीं होगा मटके भाई, बहुत ज़बरदस्त पोकी बॉल हमारा, 3 पोकी बॉल बची है बस हमारे पास, आ जाएगा। अबे यार ये क्या हो रहा है मट, अरे आ जा भाई, 2 पोकी बॉल बची हैं बस। अबे यार लास्ट है हमारे पास पोकी बॉल, आज इस बार तो आना पड़ेगा भाई, हमारे पोकी बॉल ही नहीं बची, अब एक्टिकेट है ही नहीं हमारे पास, एलिकेट इलेक्ट्रिकेट इलेक्ट्रिकेट बोल रहा था मैं से। चलो भाई चलते हैं, वैसे ही मेरे को इतना खास नहीं लगा ये पोकी बॉल, नहीं पकड़ में तो नहीं पकड़ में आया ठीक है। पोकी बॉल सेंटर चलते हील कर लेते हमने पोकी बॉल को, तो हाँ यार आज का एपिसोड बस इधर तक ही है, ओवरव्यू ओशन व्यू सिटी तक। तो हाँ यार थैंक यू यार, लाइव स्ट्रीम मेरे को जो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना,
शेयर तुम्हारी मर्जी, वैसे आजकल के ज़माने में कोई भी नहीं करता है शेयर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइक शेयर कर देना, ठीक है। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो आएगी थ्योरी पर सैटरडे को, सैटरडे वैसे कल है, तो तब तक के लिए यार गुड बाय। हाँ यार, तो तब तक पोकेमॉन स्टोर्स को सब्सक्राइब करो और फॉलो करते रहो। बाय।